अब बताइए, यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर कह रहे हैं संबित पात्रा कि जितना अनाज इनको देते हैं उतना तो उठा नहीं पाते, डिलीवर कर नहीं पाते, और यहाँ केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। सर, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो बात ये पात्रा जी बोल रहे थे कि मोदी जी का राशन, सर ये भूल जा रहे हैं, ये देश है, ये किसी का पर्सनल राशन नहीं है, और ये राशन हमारे देशवासियों के लिए है। बोलिए कि केंद्र सरकार दे रही है, हिंदुस्तान भारत सरकार दे रही है, ये बीजेपी और मोदी जी क्यों कर रहे हैं? सर, मोदी जी प्रधानमंत्री, तो केजरीवाल का भी तो नाम ले रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो, केजरीवाल भी तो नाम ले रहे हैं वो। मोदी जी तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कौन इस देश का प्रधानमंत्री, कोई और है क्या? ग्लोरीफाइंग, सर सर ग्लोरीफाइंग करना, आज प्रधानमंत्री की बात करें ना, प्रधानमंत्री को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है वो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है नहीं, वो तो बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, तो वो बीजेपी के नेता के लिए बात कर रहे हैं। नीतू डबास के पास जाऊंगा, मैं नीतू डबास के पास जाऊंगा, लेकिन मैं नीतू डबास के पास जाऊंगा, एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपके सवाल को लेकर जाऊंगा। आपने ग्लोरीफाई करने का मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी बात है, पूरे विपक्ष को आपत्ति, नीतू जी एक मिनट, पूरे विपक्ष को आपत्ति है कि मोदी जी अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट पर अपनी फोटो क्यों लगवा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्यों लगवा रही है, वो ग्लोरीफिकेशन नहीं है, वो ग्लोरीफाई करना नहीं है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ। लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि भैया जो डेथ सर्टिफिकेट जो छुपाए जा रहे हैं उनमें किसका फोटो है, गंगा में? आपसे एक चीज पूछो तो आप दूसरी चीज पे जाएंगे, नीतू जी जवाब दीजिए। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, हम बीजेपी नहीं है सर, आप बताइए ममता बनर्जी क्यों है, बीजेपी नहीं है, मानो कि आप जवाब नहीं लीजिए, आप बीजेपी नहीं है और आप बीजेपी हो भी नहीं सकते, क्योंकि जिस प्रकार जवाब देते हैं, मानो जी जवाब देते हैं, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की सरकार काम कर रही है पूरे देश को दिखाई दे रहा है। आप ये बताइएगा, अगर कोई योजना प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जाती है तो जो योजना, मानव जी आप गौरव सिंह को चुप कराएंगे? मानव जी वन बाई वन, मानव जी वन बाई वन, आप तो इतने अच्छे प्रवक्ता है, फिर बीच में क्यों बोल रहे हैं? हमारा समय आप बीच में, आप देखिए आप बीच में बोल रहे हैं, बोलने दीजिए नीतू जी को, आ रहा हूँ, वो आपके बीच में नहीं बोल रही थी, नहीं मैं उनके पास गया हूँ। देखिए ये लोग जो हैं जी, ये लोग क्या हैं कि जो विषय पर बात हो रही है, जो टेक्निकल मुद्दा उठाया गया, अभी संबित पात्रा जी ने भी जो अभी दोबारा से इस बात पे बताया है, जो स्पष्टता करी है कि दिल्ली सरकार कैसे चालाकी से वो काम नहीं कर रही है, वो बायोमेट्रिक नहीं होना चाहने देना चाह रही, वो यहाँ पर ई पोस्ट मशीन के द्वारा वितरण नहीं करने देना चाह रही, दोनों ही प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के और उसके समर्थक मानव जायसवाल यहाँ बैठकर जो बात कर रहे, कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा कि दिल्ली सरकार ये काम करके क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी मिली भगत के द्वारा जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो रुके, ताकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से करें। मैं संजीव जी को लाना चाहूंगा, संजीव झा, संजीव झा को लाना चाहूंगा, मानो जायसवाल अभी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ये कालाबाजारी का, संजीव झा देखिए बीजेपी साफ साफ कह रही है, बीजेपी साफ साफ कह रही है कि आप लोग जितना राशन मिल रहा है उतना तो आप बांट नहीं पा रहे, उतना उठा नहीं पा रहे, फालतू के आप बरगला रहे हैं, ये बीजेपी का आरोप है कि आप दिल्ली के लोगों को बरगला रहे हैं। देखिए गौरव जी, आपने संबित पात्रा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुना और हमने भी सुना, उन्होंने एक शब्द ये नहीं बताया कि हम ये गरीबों को होम डिलीवरी राशन का क्यों नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये मेरी सख्त आपत्ति है, ये मोदी जी का राशन, ये अरविंद केजरीवाल, ये ना तो मोदी जी का राशन है, अरविंद केजरीवाल जी का पैसा है, ये इस देश की जनता का पैसा है, इस देश के किसान का अनाज है, क्यों क्वालिफाई कर रहे हैं इसको अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे और मोदी जी के नाम पे? ना तो मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपने घर से दे रहे हैं कि मोदी जितना दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल इतना दे रहे हैं, ये देश का पैसा है, देश के लोगों के टैक्स का पैसा है। दूसरी बात, लेकिन संजीव भाई देश भी तो कानून से चलता है ना, देश अपने हिसाब से, हमारे मन में बहुत अच्छी, मेरे बहुत अच्छे इरादे हैं, लेकिन उन इरादों को लागू करने के लिए देश में एक सिस्टम है, आप उस सिस्टम को क्यों बायकॉट करते हुए दिखते हैं, आप क्यों करते हैं ऐसा दिखते हैं कि आप उस सिस्टम को मानना नहीं चाहते? गौरव जी, अगर मैं पहले भी अपने अपनी शुरुआती बातों में कहा था कि अपनी स्कीम की जानकारी केंद्र सरकार को दी, अगर ये आपत्ति होती जो भी नीतू जी यहाँ कह रहे हैं, तो केंद्र सरकार अपने फाइल पे नोटिंग करके ये मैं कहता कि इस तरह की आपत्ति है, हमने ऑलरेडी फाइल में लिखा हुआ है कि हम ये राशन की होम डिलीवरी में वन नेशन वन कार्ड को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, बायोमेट्रिक से सत्यापित, आधार कार्ड सत्यापित होने के बाद ही राशन दिया जाएगा। ये जो बार बार कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक्स का उल्लंघन कर रहे हैं, वन नेशन वन कार्ड को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ये सफेद झूठ है। नीतू जी जवाब दीजिए, समय कम है, जल्दी जवाब दीजिए, मैं लास्ट कमेंट यहां पर उमेश जी से लूंगा, दिल्ली की सरकार ने दी है, जवाब दीजिए उमेश सर, आता हूं आपके पास, नीतू डबास जवाब दीजिए, राशन कार्ड अगर जवाब दे लेते संजीव जी आपकी नापत्तियों का, गरीब के पेट पे लात मत मारिए। दिल्ली में संजीव जी को भी जानकारी है, और ये इस बात को मैं रखते ही कंधी काटना शुरू कर देंगे कि जब पहले यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता था, संदीप जो आम आदमी पार्टी के एमएलए थे,
वो राशन कार्ड बनाने में बनाने के लिए सेक्शुअल फेवर करते हुए वीडियो लीक हुई। इसका लॉजिक इसकी पूरी सुनिए मेरी बात, नहीं संजय भाई आप पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, देखिए मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी भी प्रवक्ता के बीच में एक बार भी नहीं बोली, मेरी पूरी बात होने दीजिए। बड़ी खबर आ रही है, बहुत रुके रुके, अभी 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 इस बहस को यहीं पर रोकना पड़ेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।